आईपीएल के 13वें सीजन का आगाज यूएई में हो चुका है। इस सीजन का पहला मैच चार बार चैंपियन मुंबई इंडियंस और दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली टीम चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जा रहा है। इस मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। रोहित ने की चौकों से शुरुआत। आईपीएल के 13वें सीजन की शुरुआत चौकों से हुई है। अब मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने चेन्नई पेसर दीपक चहर के पहले ओवर की पहली गेंद को बाउंड्री के पार भेजा। इसी ओवर की चौथी गेंद को क्विंटन डीकॉक ने डीप मिड विकेट दिशा में चौके के लिए भेजा। ओपनिंग को उतरे रोहित, क्विंटन, मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा और साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज डीकॉक ओपनिंग को उतरे। चेन्नई के लिए पहला ओवर पेसर दीपक चहर करेंगे। टॉस के लिए मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा और चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी मैदान पर उतरे। धोनी ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग का फैसला किया। कोरोना वायरस के कारण लीग दर्शकों की मौजूदगी के बिना ही खेली जा रही है, जिस वजह से फैंस का जोश मैदान पर नजर नहीं आया। इन विदेशी खिलाड़ियों को मौका। चेन्नई टीम में चार विदेशी खिलाड़ी सैन वॉटसन, फाक डुप्लेसिस, सैम करन और लुंगी गिडी खेल रहे हैं, जबकि मुंबई की टीम में क्विंटन डीकॉक, कायन पोलार्ड, ट्रेंट बोल्ट और जेम्स पेटिसन चार विदेशी खिलाड़ी है।